देश भर में आज से COVID-19 वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली NCR में भी इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिल्ली में आज से 81 जगहों पर COVID-19 के टीके लगाए जाएंगे। सबसे पहले कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर तैनात रहे स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में शनिवार को LNJP अस्पताल में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक सफाई को COVID-19 का टीका दिया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत सुबह के समय होगी और केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण का दौरा करने वाले हैं, जिसने पूरे महामारी के दौरान बेहतर सेवा प्रदान की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने LNJP अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज 18,100 लोगों को वैक्सीन लगेगी और मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। एक्सपर्ट का कहना है कि कोई चिंता की बात नहीं है, वैक्सीन सुरक्षित है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज से वैक्सीन शुरू हुआ है और 81 जगहों पर ये वैक्सीनेशन एक साथ शुरू की गई है, जिसमें ज़्यादातर अस्पताल हैं। एक केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई पहले ही जीत के रास्ते पर है और वैक्सीन को संजीवनी की तरह याद रखा जाएगा। ये वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और ये कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। अभी वैक्सीनेशन की सुविधाएं या उनका मैं अभी इंस्पेक्शन करके आ रहा हूं और अभी तक 8 लोगों को लग चुका है और अभी 30 लोग और लाइन में लगे हुए थे, तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। आराम से भाई, जिन लोगों को अभी तक लगा है मैंने उन सबसे बात की, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग बहुत खुश हैं कि अंत में किसी तरह से कोरोना से छुटकारा सब लोगों को मिलेगा। तो दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे, हर जगह पे 100-100 लोगों को वैक्सीन लगेगा। 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करते हैं। कुछ लोगों से आपने मुलाकात की जिन्होंने वैक्सीन लिया, क्या उनका फीडबैक था? सब लोग बहुत खुश हैं, मैं उनसे सबसे मिल के आया, सब लोग बहुत खुश हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर, उस नंबर बढ़ाने की भी चांसेस ज़रूर बढ़ाएंगे। अभी 81 जगहों पे शुरू किया है, कुछ दिन के बाद इसको 125 के करीब ले जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी हम 1000 जगहों के ऊपर करने के लिए तैयार हैं। अभी 8 लोग लगवा चुके हैं और 30 लोग लाइन में थे। अभी केवल कोई सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, जो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा पहले चरण में। और ये लोग वो लोग हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। इन लोगों का स्वस्थ रहना, इन लोगों का कोरोना फ्री रहना सबसे ज़रूरी है। ये कोरोना फ्री होंगे तो हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। सर, आम नागरिक तक कब तक पहुँचेगी ये वैक्सीन? सबसे पहले कोरोना ये हेल्थ वॉरियर्स को लगा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स को। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे जो हैं उन लोगों को लगाया जाएगा, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, इन सबको। और उसके बाद फिर जो है 50 साल से ऊपर की उम्र वाले और जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन उनको कोमोर्बिडिटीज़ है, इन सब लोगों को लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से अलग से कोई ऐप या ऐसा डिज़ाइन करेगी? नहीं, अलग से ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने जो पूरे देश के लिए व्यवस्था की है, सारा देश उसी व्यवस्था का हिस्सा है।